कैपेसिटर को आप जैसे कि बोर्ड में होता है तो ये काम क्या करता है कैपेसिटर, कैपेसिटर का इस बोर्ड में वर्क क्या होता है और इससे रिलेटेड फॉल्ट क्या क्या आते हैं और कैपेसिटर को किस तरीके से चेक करते हैं, तो इन सभी चीजों को अगर पूरी डिटेल में आपको जानना है तो इसके लिए हमारे तो हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आज आपको बताऊंगा कि बोर्ड में जो लगे हुए कैपेसिटर होते हैं तो इस कैपेसिटर को आप जैसे कि बोर्ड में होता है तो ये काम क्या करता है कैपेसिटर, कैपेसिटर का इस बोर्ड में वर्क क्या होता है और इससे रिलेटेड फॉल्ट क्या क्या आते हैं और कैपेसिटर को किस तरीके से चेक करते हैं, तो इन सभी चीजों को अगर पूरी डिटेल में आपको जानना है तो इसके लिए हमारे प्रॉपर वीडियोस को देखिए, उसमें आप जानिएगा कि किस तरीके से कैपेसिटर वर्क करता है, उससे रिलेटेड क्या क्या फॉल्ट आता है, या बोर्ड में शॉर्ट हो जाता है कैपेसिटर तो कई सारे लोग देखते हैं कि इस कैपेसिटर को रिमूव कर देते हैं और लेकिन ये नहीं जानते कि उस कैपेसिटर को निकालने से बोर्ड में क्या रिलेटेड, उससे रिलेटेड फॉल्ट क्या क्या आते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा आज।